हेलो एवरीवन, सो कैसे हैं आप लोग? सो आज हम लोग NLM न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन या फिर लॉज ऑफ मोशन के अंदर एपिसोड 2 लेके आ गए। ऐसे जो आज का क्लास था उसमें हम लोग का पिछले वाले क्लास में हम लोग को FBD पढ़ना था, फ्री बॉडी डायग्राम। बट फ्री बॉडी डायग्राम से पहले एक टॉपिक है इम्पल्स, जिसके ऊपर से जेईई मेंस में, नीट में, और ऐसे अगर आप स्कूल में तो स्कूल का एग्जाम में भी इसके ऊपर से सवाल आता है, इम्पल्स के ऊपर से। ठीक है, इसके अंदर इम्पल्स पढ़ना है, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, और फिर इसके ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग, यानी एपिसोड नंबर 3 जो होगा उसमें हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम के बारे डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस इन कंटेंट्स को कवर करने के बाद ही हम लोग FBD पे जाएंगे भाई, क्योंकि FBD यानी कि NLM न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ना तो जरूरी है, लेकिन पहले ये तो पढ़ ले भाई, उसके बाद। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, पहले इंपल्स पढ़ना है आज, है ना? पहली बार सुन रहा है क्या इंपल्स? पहली बार सुन रहा होगा, पहले कभी नहीं सुना होगा। अच्छा, इंपल्स को पढ़ने से पहले एक छोटा सा चीज और पढ़ना है, मोमेंटम। नाम सुनिए मोमेंटम का? हाँ, तो वो पढ़ना है पहले। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, और पहले बात करते हैं मोमेंटम के बारे में। हैं क्या? हाँ, क्या डाउट? पिछले वाले में ना, हाँ उसको बताने वाले थे, अभी पहले उसको कर लो इंपल्स, फिर बता देंगे। FBD जिस दिन पढ़ाएंगे ना उस दिन एक्सप्लेन कर देंगे, वो नॉर्मल रिएक्शन वाला डाउट है ना, हाँ वो बता देंगे। चलो देखो, अभी हेडिंग लिखना है मोमेंटम, लेकिन कौन सा मोमेंटम भाई? लीनियर मोमेंटम। तुम दीपक बात मत करो बाबू, यहाँ देखो, लीनियर मोमेंटम, लीनियर। देखो ए बाबू, ए छोड़ दे, मोमेंटम एक और टाइप का होता है, एंगुलर। तो हम लोग यहाँ जस्टिफाई कर देते हैं कि हम लोग लीनियर उसको बोलते हैं जिसमें हम लोग किसी ऐसा ऑब्जेक्ट का बात कर रहे हैं जो कि स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, सीधा लाइन में चल रहा है, या तो एक्स में चल रहा है या तो वाई में चल रहा है, वो ट्रैवल कर रहा है, सर्कुलर नहीं हो रहा है, गोल गोल नहीं घूम रहा है। गोल गोल घूमने लगा तो इसका बात नहीं करेंगे, फिर बात करेंगे एंगुलर मोमेंटम को, जो कि आगे आने वाला चैप्टर में पढ़ना है। रोटेशन है ना एक चैप्टर, रोटेशन नाम है चैप्टर का, उसमें पढ़ना है। ठीक है, खैर अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, लीनियर मोमेंटम। इसको डिनोट करते हैं हम लोग किससे, पी से, और इसमें क्या लगाते हैं, वेक्टर। क्या भैया ये पहले समझो, देखो जैसे मान लो कि कोई आदमी है, इस आदमी का मास है m, ठीक है, और ये आदमी इस तरफ जा रहा है, तो इसका वेलोसिटी भी, ये v स्पीड नहीं, क्या है इसका, ये वेलोसिटी, क्योंकि डायरेक्शन के साथ हम बात कर रहे हैं। अच्छा देखो, मोमेंटम क्या लगा दिया, वेक्टर, मतलब इसके पास भी क्या होगा, डायरेक्शन। मोमेंटम है क्या, मोमेंटम देखो जैसे मान लो कि अभी तुम लोग बैठा हुआ है क्लासरूम में, तो तुम लोग जितना लोग यहां पर है सबका मोमेंटम जीरो है। क्यों? क्योंकि तुम लोग सब किस में है, रेस्ट में है। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मोमेंटम बराबर मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी वेलोसिटी, और वेलोसिटी तुम लोग सब बैठा हुआ है ना, तो वेलोसिटी जीरो है, तो यानी कि तुम लोग सबका मोमेंटम कितना है, जीरो। अच्छा यहाँ पर कांस्टेंट क्या है तुम लोग का, मास। अब एक ग्राफ हम यहाँ पर बनाते हैं, देखना ठीक से, एक ग्राफ बनाते हैं इसको रिलेट करके। इस तरफ हम ले रहे हैं मोमेंटम और इस तरफ ले रहे हैं वेलोसिटी, और मोमेंटम और वेलोसिटी आपस में कैसा दिख रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है। मतलब मोमेंटम यहाँ लिखते हैं, मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या दिख रहा है, वेलोसिटी। अच्छा सुनो एक बात और सुनो, जब भी किसी को हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, अगर इसमें वेक्टर लगा दिए तो इसका ये जो फॉर्मूला होगा, इसमें ये दोनों में से किसी एक क्वांटिटी में वेक्टर पक्का आएगा ही आएगा। जैसे मोमेंटम को हम वेक्टर बोले ना, मतलब इसके पास डायरेक्शन है ना भाई, तो इसका डायरेक्शन किधर है, जिस तरफ कौन है, वेलोसिटी। जैसे आदमी इस तरफ जा रहा है तो मोमेंटम भी किधर होगा उसका, इस तरफ। ठीक है, समझ में आया? अच्छा अभी जैसे हम लोग मान लो कि कोई बॉल है हम लोग के हाथ में, उस बॉल को बहुत तेजी से ऐसे फेंकते हैं, तो बहुत तेजी से फेंक रहे हैं यानी कि बॉल का वेलोसिटी ज्यादा है, तो हम ये बोलेंगे कि बॉल का मोमेंटम ज्यादा हो गया, बॉल का मोमेंटम कम है। जैसे बोलते हैं ना, अरे तुम्हारा तो यार मोमेंट ही खत्म हो गया स्टेज पे जाने के बाद, परफॉर्म ही नहीं कर पाया, वहीं से ये टर्म आया मोमेंटम। बोलते हैं ना मोमेंट में चल गया है, वो अलग मोमेंट नहीं है, मोमेंट में चल गया वो अलग चीज़ है। ठीक है, वो अलग चीज़ है, ये मोमेंटम का मतलब है कि तुम्हारा वेलोसिटी से जो डिसाइड होता है वो। ठीक है, अब देखो एक ग्राफ हम यहाँ पर बना रहे हैं मोमेंटम और वेलोसिटी का, स्ट्रेट लाइन बनेगा। मतलब ये समझ में आया कि तुम वेलोसिटी अपना जितना बढ़ाएगा, जितना तेजी से तुम रोड में दौड़ेगा या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट जितना तेजी से चलेगा उसका वेलोसिटी उतना ज़्यादा, और जितना ज़्यादा वेलोसिटी उतना ही क्या होगा, मोमेंटम। ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन। अच्छा सुनो एक और बात सुन लो, जब भी हम लोग दो चीज़ के बीच में ग्राफ बनाते हैं, जब भी दो चीज़ के बीच में ग्राफ बनाते हैं तो उनमें से कोई एक चीज़ कांस्टेंट होता है। मतलब देखो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन बन रहा है ना, तो यहाँ पर कोई एक ऐसा चीज़ होना चाहिए जो कांस्टेंट होनी चाहिए। यहाँ पर कांस्टेंट कौन है, मास। तो यहाँ प्रोपोर्शनल लिखे हैं, तो यहाँ कांस्टेंट कौन है, मास। यहाँ पर कांस्टेंट है, मतलब ये प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो हमको कांस्टेंट में मिलेगा मास। ठीक है, अच्छा एक ऐसा भी केस आता है जिसमें मोमेंटम मास के प्रोपोर्शनल होता है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाता है। हाँ ऐसा भी केस आता है जिसमें जो मोमेंटम है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, मास के, और वेलोसिटी कांस्टेंट। लेकिन वो तुम लोगों को नहीं पढ़ना है, तुम लोगों को ऐसा ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ना ही नहीं है सिलेबस में जिसका मास चेंज करे। तुम लोग हमको कोई चीज का ऐसा एग्जांपल बता सकता है जी जिसका टाइम के साथ मास चेंज करता हो, हैं?
लाइट का मास चेंज करता है, लाइट का मास होता है पहले जो चेंज करेगा, बकलोल है। हमको कोई ऐसा चीज का एग्जांपल बताओ जिसका जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ता है वैसे वैसे मास कम होते जाता है। रॉकेट का एग्जैक्टली, जो हम लोग रॉकेट छोड़ते हैं तो रॉकेट के अंदर जितना मटेरियल होता है, जैसे जैसे रॉकेट ऊपर जाते जाता है वैसे वैसे वो मटेरियल खत्म होता जाता है। तो रॉकेट के बारे में पढ़ना है कि रॉकेट जब रेस्ट पे होता है तो उसका मास कुछ और होता है, और जैसे ही उसको छोड़ देते हैं लॉन्च हो जाता है, तो लॉन्च होने के बाद उसका मास कम होते 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 कुछ और हो जाता है। तो रॉकेट ही बस एक ऐसा इकलौता एग्जांपल है जिसका मास चेंज होता है। समझ आया नहीं आया मेरी बात? कार का मास चेंज हो जाता है। अरे भाई साहब, तो फ्यूल का इफेक्ट बहुत कम होता है ना, हम बात कर रहे हैं कि रॉकेट का पूरा, रॉकेट पूरा तबाह होता जाता है जैसे जैसे ऊपर जाता जाता है, वो बहुत कम होता है, बहुत नेग्लिजिबल चेंजेस होता है। तो इसलिए कार नहीं होगा एग्जांपल। पेंसिल देख रहा है, पेंसिल, वाह भाई साहब गजब लेवल का आदमी, लेकिन गजब बोल दिया, लेकिन नहीं पेंसिल, चल देखें यहाँ पर। ये समझ में आया मास क्यों कांस्टेंट बोल रहे हैं? क्योंकि किसी भी इंसान का मास उसका स्पीड से चेंज होगा? कभी नहीं होगा भाई साहब, मास स्पीड से कैसे चेंज होगा। तो इसको लिखो जल्दी से, ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं इम्पल्स के बारे। सुनो, यहाँ पर हमको उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करना है जो क्लासिकल होता है। क्लासिकल समझती हो? क्लासिकल जैसे कि हम ढेर सारा पार्टिकल से मिलके बने हैं, और मेरा लोकेशन, लोकेशन समझता है कि हम कहाँ खड़े हैं, और मेरा मोमेंटम, दोनों तुम बता सकता है? अरे मोमेंटम नहीं समझता है, मोमेंटम का मतलब मास गुना वेलोसिटी। मेरा मास मालूम है तुमको, और हम यहाँ पर रुके हैं, खड़े हैं कि चल रहे हैं, वो भी मालूम है कितना स्पीड से। तो अगर ये दोनों मालूम रहेगा तो तुम मेरा मोमेंटम बता देगा, और हम यहाँ पर फंडामेंटल क्लास में खड़े हैं वो भी बता देगा। तो दोनों चीज़ बता सकता है ना तुम मेरा, क्योंकि हम क्या है, क्लासिकल पार्टिकल। क्लासिकल मतलब एकदम है, हाँ माइक्रो हम नहीं, हम मैक्रो हैं, हम विजिबल हैं। लेकिन जैसे अगर इलेक्ट्रॉन के बारे पूछेंगे तो इलेक्ट्रॉन का तुम एक समय पे या तो मोमेंटम बताएगा या तो तुम उसका वेलोसिटी बताएगा, दोनों साथ में नहीं बता सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा पार्टिकल है। हाइजेनबर्ग इसको बोलते हैं अनसर्टेनिटी। खैर छोड़ो ये सब, तो हम लोग यहाँ जो भी बात कर रहे हैं किसके बारे में बात कर रहे हैं? क्लासिकल पार्टिकल के बारे। क्लासिकल पार्टिकल जैसे ह्यूमन भी नहीं है सब, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट कोई ब्लॉक उसके बारे। चलो अब यहाँ ध्यान रखो बाबू, तुम लोग छोड़ो, ए यहाँ देखो, चलो अभी हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं इम्पल्स। मोमेंटम तुमको समझा दिया क्या होता है। मोमेंटम किसी ऑब्जेक्ट का अगर बदलना है तो उसका मास बदलेंगे या वेलोसिटी? वेलोसिटी, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं क्लासिकल पार्टिकल का। जैसे कि एक बॉल हुआ, बॉल का मास 1 kg या 500 ग्राम, तो बॉल जो हुआ वो क्लासिकल पार्टिकल हुआ। तो मास के बारे का भी बात करो चेंज करने का, हमेशा बात करो वेलोसिटी चेंज करने का, ठीक है। अभी देखो इम्पल्स क्या है, पहले उसको समझो, देखो व्हाट इज इम्पल्स, पहले वो समझो पहले थोड़ा, क्या क्या बीच बीच में भी बोलते रहती है। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं जे से। किससे डिनोट करते हैं इसको? जे से, जे इसका सिम्बॉल है, कैपिटल जे, ठीक है। अब देखो सुनो, हाँ जे का मतलब यहाँ ज्योति नहीं है, हाँ है बिल्कुल है, वही वो तो नहीं, एकदम बिल्कुल सही बोलती, टाइम गलत होता है बोलने का। चलो देखो यहाँ जे क्या है समझो, जैसे यहाँ पर मान लो एक आदमी है और ये आदमी के हाथ में बैट है, ठीक है, और यहाँ पर खड़ा है, यहाँ पर एंजल प्रिया खड़ी है बाबू, मान लो बॉलिंग कर रही है एंजल प्रिया, क्या कर रही है बाबू? बॉलिंग कर रही है। बॉलिंग उसको करने आता नहीं, बॉलिंग ऐसे किया जाता ना बाबू, ऐसे करके फिर ऐसे किया जाता है, वो ऐसे बॉलिंग कर रही है बाबू, एंजल प्रिया ना ऐसे बॉलिंग कर रही है, ऐसे बॉलिंग कर रही है, ठीक है। तो खैर, तो बॉलिंग की वो ऐसे करके और बॉल गया ऐसे, ठीक है, और ये भी ठहरा बकलोल आदमी, ये भी ऐसे मार रहा है बैट से, है ना, वो बैट बॉल नहीं कर रहा, वो ऐसे मार रहा है। अब देखो सुनो हुआ क्या, अब रुक जाओ अपना ही, आप तुम ही आ जाओ, भाई साहब यहाँ पर सुनो, पहले ये आया बॉल इसके पास, ठीक है, तो ये बॉल जैसे ही आया तो इसको हिट करेगा बॉल को। अभी बताओ बॉल जो आ रहा है, थोड़ा यहाँ बड़ा डायग्राम बनाते हैं, देखो बॉल ऐसे आ रहा है ना, तो बॉल का आने का डायरेक्शन किधर है? इस तरफ है, बॉल का वेलोसिटी इस तरफ है। जैसे ही ये आदमी इस बॉल को मारेगा तो उसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा? बॉल का ऊपर हो जाएगा, यानी कि बॉल वापस ऐसे जाएगा, मान लेते कि बॉल उस तरफ जाने वाला, यानी कि ऐसे चल जाएगा बॉल, मान लो ऐसे चल गया बॉल। और ये v वेक्टर का मतलब क्या है? वेलोसिटी, बॉल का वेलोसिटी बदल गया, इस तरफ जा रहा है बॉल। लेकिन बॉल का मास आते वक्त यहां m, यहां भी m, यहां उड़ के ऊपर चल गया, अभी भी कितना है? मास नहीं बदल रहा है उसका, ठीक है। अब तुम बताना, ये बॉल का जो मोमेंटम था, मान लो कि बॉल का जो इनिशियल मोमेंटम था वो था मास इंटू वेलोसिटी, अभी बॉल का मोमेंटम कितना है?
इंपल्स अभी तक हम नहीं बताया क्या होता है, अभी नहीं बताया, अभी पहले जो पूछ रहे उसका जवाब दो। ये इनिशियल मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, अभी मोमेंटम बॉल का वही है या चेंज हो गया, मतलब क्रिकेट से ऐसे मारने के बाद है क्यों चेंज हो गया तुम बताओ। अभी रुक जाओ बाबू, जिससे पूछ रहे हो तुरंत शांति नहीं बना सकती हो, दो मिनट रुक जाओ बोलो। वेलोसिटी लगा है, चेंज हुआ है, क्यों चेंज हुआ वेलोसिटी हमको तो अभी वी, यहाँ भी वी दिख रहा है। अच्छा बैट से जोर से मारा है, हम तो ऐसा कुछ नहीं बताएं, एक्सटर्नल फोर्स लगा है तो मतलब हम तो वी लिखे हैं। मान लो कि बॉल आया और गलती से ऐसा कंडीशन बना कि तुम बॉल को हिट किया लेकिन उसी वेलोसिटी से बॉल वापस गया, तो उसका वेलोसिटी बदला? अरे भाई साहब वेलोसिटी बदल गया, बदल गया, वेलोसिटी पहले ऐसे था वैसे हो गया तो बदल गया, डायरेक्शन बदला तो वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब होता है मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों, तो डायरेक्शन बदल गया मतलब वो बदल गया, तो वेलोसिटी बदल गया। तो अब यहां पर जो फाइनल मोमेंटम हम लिखेंगे उसको भी एम वी ही लिखेंगे, लेकिन 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 क्या ये दोनों सेम बात है? वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल चुका है। मान लो कि पहले बॉल ऐसे आ रहा था, कैसे आ रहा था, ऐसे आ रहा था मतलब कि किस तरफ, आई कैप की तरफ, तो अब बॉल जब मारा तो इधर जा रहा है, तो अभी भी आई कैप ही जा रहा है, अभी भी आई कैप। मान लेते हैं कि बॉल ऊपर गया, मान लेते हैं कि बॉल को ये मारा तो बॉल ऐसे जाने लगा, तो अब किधर जा रहा है ये, मान लेते हैं जे कैप, तो ये वाला हो जाएगा तुम्हारा जे कैप, लेकिन ये क्या होगा आई कैप, मतलब आया बॉल ऐसे वो मारा तो ऐसे ऊपर जाने लगा मान लो, तो इसलिए हो गया जे कैप। अरे भाई ऊपर जा रहा है, ऊपर बॉल तो ऊपर जा रहा है, तो समझ आ गया कि नहीं आया? चलो ठीक, तो ये दोनों बात अलग अलग है। अच्छा मोमेंटम का जब तुम यहां चेंज निकालेगा, चेंज समझती हो, चेंज का मतलब होता है फाइनल मोमेंटम माइनस, क्या ये जीरो आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम एम वी वेक्टर ये है, तो अगर तुम इसका चेंज निकालेगा तो जीरो नहीं आएगा, ये आएगा जीरो। सोच लो, सोच लो, सोच लो, है जीरो आएगा, जीरो आएगा रे, जीरो आएगा, जीरो आएगा, तुम देखो ठीक से देखो, आएगा जीरो, देखो समझो, ये वेक्टर लगाया मान लो इसमें, हालांकि इसमें तो वेक्टर नहीं लगा सकते हैं, इसमें लगाया मान लो, ये फाइनल मोमेंटम कितना, ये रहा एम वी वेक्टर कितना, जे कैप, उसके बाद माइनस कितना, एम वी वेक्टर आई कैप, एम वी कॉमन जाएगा दोनों में से, तो यहाँ क्या होगा, जे माइनस आई, ठीक है। अब ये देखो ये कॉमन चल गया तो कहाँ जीरो आ रहा, जीरो आया नहीं आया, क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग है, समझ आया कि नहीं आया। जे में से आई घटाने से जीरो हो जाता है नहीं, तो देखो जीरो नहीं आ रहा है। तो तुमको हम क्या समझा रहे हैं, हम तुमको ये समझा रहे हैं कि जैसे ही तुम्हारे पास बॉल आया, देखो पहले तो एक बात समझ लो यार, पहले एक बात समझ लो सीरियसली, ये बॉल फेंकी मान लो, तो ये बॉल जब ऐसे फेंक रही है इसके तरफ, तो बॉल का स्पीड कितना, वी वन मान ले, फिर बॉल को ये मारेगा तो बॉल किधर जाएगा, उधर जाएगा, तो बॉल का स्पीड वही रहे ऐसा हो सकता है, बहुत कम चांस है कि वैसा हो, अगर वैसा हो भी गया तब भी मोमेंटम का चेंज जीरो नहीं होगा। ये समझ में आया, एक बात तो मालूम होगा ना कि बॉल जैसे आता है तो बॉल को मारते हैं तो बॉल का डायरेक्शन तो बदलता ही है और उसका स्पीड भी बदल जाता है, तो हम लोग मान लेते हैं कि उसका स्पीड बदल के हो जा रहा है कितना, मान लेते हैं V2 मान लेते हैं स्पीड, तो अब यहाँ पर कितना ले लेंगे, V1 यहाँ पर, V2 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 2 यहाँ पर 1 और यहाँ पर कितना होगा, अब कॉमन नहीं जाएगा, ये कॉमन नहीं जाएगा तो ये मिलेगा मोमेंटम। और बाबू तुम चाहो तो दोनों स्पीड को बराबर भी कर लो तब भी मोमेंटम का चेंज जीरो नहीं होगा। तो ये एग्जाम्पल क्या चीज का हम तुमको दिए, ये एग्जाम्पल हम तुमको दे रहे हैं इंपल्स का, बोलेगा इसमें इंपल्स कहाँ, ये तो मोमेंटम आप समझा रहे हैं, सुनो बता रहे हैं, जब किसी बॉल को, जब जैसे बॉल आ रहा है तो बॉल पे छोटा सा समय में, क्या बोले हम, छोटा समय में नहीं, एक टाइम इंटरवल में, छोटा समय नहीं भी बोले तो चलेगा, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में तुम जब बड़ा फोर्स लगाता है तो उसको बोलते हैं इंपल्स। व्हाट इज इंपल्स, व्हाट इज इंपल्स, छोटा सा समय में बड़ा फोर्स, और छोटा सा समय में बड़ा फोर्स लगा, ऐसे ही करते हैं ना बॉल को जब मारते हैं, तो बॉल आता है तो पहले रुक के शर्मा जाता है, क्या रुक जाते हैं तो उसके बाद मारते हैं, नहीं ना, जैसे आया वैसे ही हिट करते हैं और एक लार्ज फोर्स लगाते हैं, लेकिन समय क्या रहता है, छोटा रहता है, छोटा समय में बड़ा फोर्स लगाते हैं, है कि नहीं बताओ, क्या थप्पड़ मारना, तो समझो मेरा बात। तो यानी कि तुमसे जब भी कोई पूछेगा व्हाट इज इंपल्स, तो तुम साफ साफ बोलो उसको चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, सही बात है कि नहीं। बॉल जब आया तो बॉल को मारे तो बॉल ऐसे आ रहा था ना, और ऐसे आने के बाद फिर किधर जाने लगा, उधर, तो बॉल का मोमेंटम बदला कि नहीं बताओ, पहले मेरे तरफ आ रहा था, मारने के बाद उधर जाने लगा,
तो मोमेंटम बदला कि नहीं? तो इंपल्स को हम लोग बोलते हैं चेंज इन मोमेंटम। और इंपल्स है क्या? तो एक छोटा सा फोर्स नहीं, बड़ा फोर्स छोटा समय में, यहाँ लिख देते हैं। और इसको हम लोग इंपल्सिव फोर्स नाम देते हैं। इंपल्स भी इट इज नथिंग बट अ फोर्स, इंपल्सिव फोर्स बोलते हैं उसको, बोलते हैं लार्ज फोर्स फॉर अ स्मॉल टाइम इंटरवल, छोटा टाइम के लिए, फॉर अ स्मॉल टाइम इंटरवल। और अगर तुमसे इंपल्स पूछे तो ये बोलना, इंपल्सिव फोर्स का मतलब हम अभी तुमको, अलग है वो, ये अलग है वो अलग है। इंपल्सिव फोर्स का मतलब होता है कैसा फोर्स बताओ? बड़ा फोर्स छोटा समय में। और तुम इसको देखो ऐसे लिखता है, ये जो इंपल्सिव फोर्स है ना, इसको ऐसे लिखता है डीजे। हालांकि क्वांटिटी दोनों सेम है, लेकिन ये डिफाइन करने का तरीका अलग अलग है। इस जे के बारे में तुम क्या बोल रहे हैं? इस जे के बारे में तुम बोल रहे हैं डेल्टा पी, चेंज इन मोमेंटम, मतलब इस टाइप का, ऐसे निकालते हैं उसको जो चेंज हो। और ये इंपल्सिव फोर्स का मतलब क्या है? लार्ज फोर्स। तो देखो इसको लिख रहे हैं डीजे, डीजे मतलब छोटा सा मोमेंटम। देखो इसको कैसे लिखते हैं, ये डीजे क्या होता है अभी समझाएंगे तुम लोग को, है ना। और ये जो लार्ज फोर्स फॉर स्मॉल टाइम्स का क्या मतलब वो भी बताते हैं। बाकी ये समझ में आया बैट्समैन वाला एग्जांपल? तो अगर कोई पूछेगा कि इंपल्सिव फोर्स का एग्जांपल बताइए तो क्या बोलेगा? व्हेन अ बैट्समैन हिट्स अ बॉल, तो मारते वक्त वो जो बॉल है उस पे वो फोर्स कैसा लगाता है? बहुत तेज फोर्स लगाता है, लेकिन छोटा टाइम के लिए, समझ में आया? तो उसको इंपल्सिव फोर्स, लेकिन इंपल्स को अच्छा, इंपल्स और इंपल्सिव फोर्स में जो बात आ रहा है वो लगभग सेम आ रहा है। कैसे? क्योंकि जब वो बैट्समैन मारता है बॉल को तो उससे बॉल का मोमेंटम बदलता है भाई। बॉल का मास तो एम ही रहेगा ना, लेकिन बॉल का स्पीड और डायरेक्शन दोनों बदल जाएगा, तो मोमेंटम बदलता है कि नहीं बताओ? इसलिए मोमेंटम को बोल रहे हैं ये, इसलिए जो जे है इंपल्स को बोल रहे हैं चेंज इन मोमेंटम। मतलब जहां भी इंपल्स लगता है वहां पर उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम क्या होता है? समझ आया कि नहीं आया? ये इसको बना लो एक बार, ठीक है क्या? देखो बाबू यहां पर देखना ध्यान से, ये जो इंपल्स है इसका डेफिनेशन अगर एग्जाम में आया तो क्या लिखना है? द टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। टोटल चेंज इन मोमेंटम समझ रहा है? वही चेंज इन मोमेंटम को ही बोल रहे हैं। मतलब इंपल्स बराबर क्या होगा? डेल्टा पी। अच्छा अच्छा, तुम ये कभी जीवन में सोचा? सर मोमेंटम का तो अलग चीज़ होता है। तो जो साइंटिस्ट है वो मोमेंटम को इंपल्स से रिलेट काहे कर रहा है? अच्छा एक चीज़ देखो, तुम ध्यान नहीं दे रहे, एक चीज़ पर ध्यान देना। इसमें जे किसके बराबर दिख रहा है? जे किसके बराबर दिख रहा है? तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जे और पी को बराबर हम बोल रहे हैं? तो उसका लॉजिक के समझ में क्या है? बोल नहीं रहे, बोल ही रहे हैं, ठीक है। तो इससे लॉजिक ये निकल के आ रहा है कि इंपल्स और मोमेंटम दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए। और एकदम सही बात भी है, देखो दोनों का एसआई यूनिट सेम है। देखो ठीक से देखो, ये जो मोमेंटम इंपल्स है इसका जो यूनिट हो, जैसे इसका यूनिट क्या होगा? मोमेंटम का मास इंटू वेलोसिटी होता है ना, तो मास का केजी और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, और इंपल्स का भी वही होगा। तो यहां से वो साइंटिस्ट को दिमाग आया कि इंपल्स इज नथिंग बट सेम, मतलब चेंज इन मोमेंटम। हालांकि वो डिफाइन इसको किया था पहले, क्या चीज़ को? ये वाले को, इंपल्सिव फोर्स, ठीक है। अभी तुमको थोड़ा देर में और समझाते हैं। तो एसआई यूनिट ये होता है, ये क्या हो गया? ये एसआई यूनिट हो गया इंपल्स का। जो मोमेंटम का यूनिट होता है वही यूनिट किसका होता है? इंपल्स का भी। एसआई यूनिट हुआ इंपल्स का, ये केजी मीटर पर सेकंड, ठीक है। केजी किसके लिए लिखे? मास के लिए, और वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकंड। वही किसका हो जाएगा? इंपल्स का। अब थोड़ा आओ इसके बारे समझते हैं, इंपल्सिव फोर्स। आइए इधर देखिए, यहाँ देखो इंपल्सिव फोर्स क्या होता है। देखो यहाँ पर ध्यान से, ये क्या होता है इसको समझो। देखो इंपल्सिव फोर्स, बाबू तुम लोग क्या कर रहा है यार? क्या जूल का क्या मतलब? जूल तो वर्क को जूल में मेजर करता है ना? नहीं ना, देखो यहां पर इंपल्सिव फोर्स क्या है? डीजे बराबर एफ डी टी, डीजे बराबर एफ डी टी। डीजे का मतलब है स्मॉल मोमेंटम, और ये बड़ा फोर्स, लेकिन कैसा टाइम के लिए? बड़ा फोर्स कैसा टाइम के लिए? देखो ये इंपल्स समझ में आ रहा है, ये वाला बुला रहे हैं। अच्छा तुमको बुला रहे हैं, जाओ उधर से जाओ ना, बोलो। डी यहाँ पे लगाते हैं, हाँ
टाइम छोटा है इसलिए यहाँ पर इसको डीजे लिखे हैं, स्मॉल टाइम के लिए डीजे लिखे हैं। और ये एफ एक बड़ा लार्ज फोर्स होता है ना, इसलिए उसको डीएफ नहीं लिख सकते हैं। देखो साफ साफ पढ़ो, लार्ज फोर्स, तो इसलिए उसको एफ लिखना होगा, डीएफ नहीं लिख सकते हैं। समझ आया? अच्छा, अगर इसको हम लोग इंटीग्रेट कर दें, क्या कर दें? इंटीग्रेट, तो हमको पूरा इंपल्स नहीं मिल जाएगा। ये डीजे का मतलब है स्मॉल इंपल्स, और अगर इसको इंटीग्रेशन कर दें, इसका मान लो इसका इंटीग्रेशन किया टाइम टी वन से लेकर टी टू तक, ठीक है, डीजे का इंटीग्रेशन कितना होगा? जे। डीजे का कितना होगा? जे, मालूम है ना। और ये फोर्स, फोर्स कांस्टेंट है कि वेरिएबल? फोर्स जो ऑब्जेक्ट पे लग रहा है वो कांस्टेंट है या वेरिएबल? कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट है ना भाई साहब। जो बैट से फोर्स मार रहा है, बैट से जो मार रहा है बॉल को, वही वाला फोर्स है ना। तो बैट से एक ही बार फोर्स लगा रहा है ना, मान लो 5 न्यूटन लगाया, तो कांस्टेंट फोर्स हुआ ना कि वेरिएबल होगा? नहीं, कांस्टेंट होगा। तो ये फोर्स को बाहर कर दो, और ये dt का इंटीग्रेशन कितना होगा? टी। तो अपर लिमिट कितना होगा? टी टू माइनस लोअर लिमिट टी वन। डी टी का टी किए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो तुम यहां से क्या लिख सकते हैं? जे बराबर एफ डेल्टा टी। ये तुम्हारा इंपल्स का एक और फॉर्मूला, ठीक है, इसको भी लिख लो। अब देखो तुम ठीक से देखो, यहां से इंपल्स का यूनिट क्या आ रहा है, देखना यहां से इंपल्स का यूनिट क्या निकल रहा है। फोर्स का क्या होता है? टाइम का, टाइम का सेकंड। तो न्यूटन सेकंड भी किसका यूनिट है? इंपल्स का। न्यूटन सेकंड भी किसका यूनिट है? इंपल्स का। उधर से चल जाओ, उधर चल जाओ, उधर से चल जाओ, वो उधर थोड़ा उधर चल जाएगी, है ना। ए क्या कर रहा है गंदा आदमी, बोलो क्या? जूल सेकंड, तुम किसको जूल, इसको जूल लिखना पड़ा, केजी मीटर को कैसे लिख लेगा उसको, कैसे लिख देगा उसे? वो सब करने की जरूरत नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड इसी को समझो, जरूरत नहीं इसका, इसका यूज होता है ये वाले का, ठीक है, ये वाले का यूज होता है ज्यादा। तो यहां पर हम लिख देते हैं, यहां से जो SI यूनिट आ रहा है वो आ रहा है न्यूटन सेकंड। ये फोर्स का न्यूटन, टाइम का सेकंड। अब इसके ऊपर बहुत सारा न्यूमेरिकल दिया हुआ है। अच्छा सुनो एक और बात ध्यान से बाबू, ये भी इंपल्स और ये भी क्या है? इंपल्स, दोनों ही इंपल्स है, बस छोटा सा अंतर है, छोटा सा अंतर है बस। यहां पर हम लोग फोर्स के टर्म में डिफाइन कर रहे हैं, और यहां किसके टर्म में डिफाइन कर रहे हैं? यहां पर मोमेंटम के टर्म में डिफाइन करें, बात तो दोनों सेम है ना, ठीक। अच्छा देखो इसको तुम क्या लिखेगा, ये वाले को जे वेक्टर, दोनों को अलग अलग लिखना ना, जे वेक्टर, और ये डेल्टा पी को क्या लिखेगा? पी फाइनल वेक्टर माइनस पी इनिशियल वेक्टर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इंपल्स का, ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना, और ये वाला भी, ठीक है। अच्छा यहां पर देखो इंपल्स वेक्टर है, इंपल्स वेक्टर है, तो देखो इसके लिए यहां पर एक वेक्टर क्वांटिटी मौजूद है, फोर्स, तो ये दोनों में तुम वेक्टर लगा सकता है, बिल्कुल लगा सकता है। तो तुम चाहो तो ऐसे लिख लो, चाहो तो ये जे में और एफ में वेक्टर लगा के लिख लो, दोनों एक ही बात, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग को अभी छोटा सा एक और चीज समझना है, जिसको बोलते हैं इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, है ना। हाँ बोलो। SI यूनिट सेम मतलब कि जैसे देखो मोमेंटम का होता है ना केजी मीटर पर सेकंड, तो इंपल्स का भी क्या मानेंगे? केजी मीटर पर सेकंड। वैसे ही इंपल्स जो है उसका एक और फॉर्मूला भी तो है, फोर्स इंटू टाइम। तो फोर्स का न्यूटन, फोर्स का यूनिट न्यूटन, टाइम का सेकंड। तो ये दोनों ही यूनिट किसके लिए? मोमेंटम, ये इसके लिए, इंपल्स के लिए। समझ आया? क्योंकि इसका दो अलग अलग फॉर्मूला है, और अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो दोनों सेम ही फॉर्मूला, अलग अलग थोड़ी है, एक ही बात है दोनों, क्योंकि यहां भी जे यहां भी जे, तो ये वाला चीज किसके बराबर होगा? पी के। तो एक ही चीज है दोनों, इंपल्स निकालने का ही है, बस अलग अलग सिनेरियो के हिसाब से लगाते हैं। जहां पर तुमको फोर्स और टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन देगा वहां ये यूज कर लेना, जहां मोमेंटम के बारे में इंफॉर्मेशन देगा वहां इसको यूज कर लेना इंपल्स निकालने के लिए। इंपल्स है क्या? सिंपल भाई, बड़ा फोर्स छोटा समय में, और जिसके कारण क्या होगा कि जो मेरे तरफ ऑब्जेक्ट आ रहा है उसका मोमेंटम क्या होगा, क्यों चेंज होता है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? है क्योंकि वो आता है ऐसे, मारते हैं तो उसका डायरेक्शन उधर हो जाता है, तो चेंज भी होगा मोमेंटम, वो कंफर्म। और जो हम बैट से मार रहे हैं वो फोर्स कैसा मार रहे हैं? बड़ा फोर्स मार रहे हैं छोटा टाइम के लिए। तो ये सारा एक ही चीज इंपल्स को ही डिफाइन कर रहा है ना, समझ में नहीं आ रहा है क्या? ये फॉर्मूला दोनों तो इंपल्स को ही डिफाइन कर रहा है, ठीक है, लिख लो इसको। देखो भाई यहां पर ध्यान दो, अभी हम लोग बात करने वाले किसके बारे? इंपल्स मोमेंटम, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। अब देखो क्या है, तुमको बता रहे हम, तभी से तुमको हम जो बात करवाने की कोशिश कर रहे हैं वही है ये। देखो क्या इंपल्स का हम लोग एक फॉर्मूला निकाले, जे बराबर क्या निकाले बोलो? एफ डेल्टा टी, एक ये निकाले, और एक और जे का फॉर्मूला क्या निकाले? पी टू माइनस या फिर पी फाइनल माइनस पी इनिशियल।
और इसी को डेल्टा पी बोल रहे हैं, चेंज इन मोमेंटम। तो ये दोनों को रिलेट करते हुए जो थ्योरम है उसी को बोलते हैं इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। अब पहली बात तो ये दोनों रिलेट कैसे करेगा, बोलेगा सर ये वाला बराबर खत्म, वैसे नहीं कर सकता है। यहां पर अगर तुमको इन दोनों को बराबर करना है तो कुछ लॉजिक देना पड़ेगा, और वही लॉजिक यहां दिया गया। देखो कैसे, तुम लोग न्यूटन का फॉर्मूला पढ़ा है, ये वाला एफ इक्वल टू मा पढ़ा होगा ना, और इसी को लिखते हैं डीपी बाई डीटी। अब ये देख के सब घबरा जाता है, एक मीम भी था उसमें एक फोटो लगा था कि ये वाला देख रहा है तो हंस रहा, लेकिन ये वाला जहां आया तो घबरा गया देख के, मीम था एक देखे थे हम, ठीक है। तो ये वाला देख के घबराना नहीं है, देखो हम एक्सप्लेन कर देते हैं। ये जो मोमेंटम है इसका अभी फॉर्मूला क्या बताया था बोलो, मास इंटू बताए थे ना अभी, और ये मास क्या होता है, लेकिन ये वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, वेरिएबल होगा समय के साथ, हो सकता है हम स्पीड अपना बढ़ाते जा रहे हैं। अब देखो, अब ये पी के जगह पे डाल दो, मोमेंटम की जगह क्या डाल दो, एम वी। और तुमको मालूम है कि डिफरेंशिएशन का रूल है कि जो चीज कांस्टेंट होता है उसको बाहर करना, तो इसको बाहर कर दो, तो एम डी वी वी वेक्टर बाई डी टी। तो वेलोसिटी बाई टाइम का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो एक ही बात है ना, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, देखो ये वाला हम लोग पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करके यही आ रहा, मतलब ये सही है। तो ये तुम लोग लिखना चाहेगा कि इसको बाद में लिखना, ठीक है, ये वाला मत लिखो, है ना, ये अंडरस्टूड है। हाँ, इसको बताएंगे सेकंड लॉ में पढ़ाएंगे ये वाला फिर से, ठीक है। तो बस तुम इतना एक्सेप्ट कर लो कि ये इसके बराबर होता है। कैसे देखो यहाँ पर बताएं, ठीक है, अभी हमको समझाना है कि इसका यूज कैसे करना है, वो समझाना है, अभी ये लिखने की जरूरत नहीं, बाद में ये सब बताया जाएगा। चलो देखो यहाँ पर, बस हम तुमको ये फील करवा दिए ये इसके बराबर कैसे होता है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, क्या इस डी टी को हम यहाँ भेज दें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी पी वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको बोथ साइड इंटीग्रेट कर दो, बोथ साइड वेक्टर हटा दे रहे हैं अभी यहाँ से, बोथ साइड इसको इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर तुम इसको इंटीग्रेट करेगा तो टाइम का लिमिट ले लो यहाँ से टी वन से लेके टी टू तक, और मोमेंटम कहाँ से कहाँ तक, पी वन से लेके पी टू तक। चेंज इन मोमेंटम डी पी का इंटीग्रेशन कितना होगा, पी होगा, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, पी वन से लेके पी टू तक। और ये फोर्स मान लो कॉन्स्टेंट है, अगर तो लिख लेते हैं यहाँ पर, फोर्स मान लो कॉन्स्टेंट है, सपोज कर रहे हैं कॉन्स्टेंट है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि हमेशा कॉन्स्टेंट होगा, हमेशा कॉन्स्टेंट नहीं होगा, अगर कॉन्स्टेंट दिया है, देखो यहाँ पर बोल दिया अभी कॉन्स्टेंट है, वेरिएबल भी हो सकता है, और बताएंगे कब वेरिएबल कब कॉन्स्टेंट वो भी बताएंगे। तो यहाँ पर ये एफ बाहर होगा, डी टी का इंटीग्रेशन कितना होगा, टी, तो ये डी टी का टी होगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, टी टू माइनस टी वन। तो ये एफ डेल्टा टी किसके बराबर आ गया, डेल्टा पी के। और देखो ये चीज़ आ गया ना, एफ डेल्टा टी डेल्टा पी के बराबर, इसी को क्या बोल रहे हैं, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, समझ आया। और ये दोनों को मिला के क्या बोलेंगे हम, जे के बराबर, यानी कि इंपल्स के बराबर। कोई डाउट है इसमें बताओ, क्या लिमिट क्यों लगाया, क्योंकि जैसे टाइम का लिमिट नहीं लगा कि किस समय से किस समय तक उस पे बैट पे फोर्स लग रहा है, मतलब समझो तुम बैट पे फोर्स लगाया तो कितना समय मिला सबके लिए अलग अलग होगा ना। मान लो कि जैसे तुमको कुछ जो बॉल फेंका जा रहा है वो बहुत दूर से फेंका जा रहा है, तो तुम्हारा टाइम का इंटरवल अलग होगा, मेरे लिए कोई सामने से फेंक रहा है, मान लो जो फेंक रहा है वो शायद मेरे से प्यार करता है, सामने से फेंक, मतलब तो उसका इंटरवल अलग होगा टाइम का, बस वही चीज़ है, ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। क्या मोमेंटम पे क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि देखो ये जो मोमेंटम है वो तब का है जब बॉल को वो फेंका है, तो उस वक्त बॉल का मोमेंटम इधर रहेगा, फिर जब हम मार देंगे तो बॉल का मोमेंटम उधर हो जाएगा, तो इसलिए पहले मोमेंटम कुछ और, बाद में मोमेंटम कुछ और, और वही चेंज मोमेंटम का जे बोल रहे हैं। नहीं समझ में आया, जिसको समझ नहीं आता डायरेक्ट पूछो मेरे से, यहाँ पर ये दो, हाँ बोलो बाबू क्या डाउट है, कहाँ पर पूछो, हाँ यहाँ पर भी इसको बराबर लिख सकते हैं, लेकिन कोई उसका न्यूटन लॉ से प्रूफ कर रहे हैं तो वो ज़्यादा लॉजिकल लग रहा है, ठीक है। तो अब सुनो, अब अगर तुम ये तो ठीक लिख रहा है, अब मान लो ये एक केस हुआ बाबू, ये होता है, इसको याद रखना है, दिस इज इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। लेकिन मान लो अगर फोर्स कॉन्स्टेंट ना दिया हो, मान लो फोर्स वेरिएबल हुआ, क्या हुआ फोर्स वेरिएबल, तब फॉर्मूला क्या होगा, देखो देखो यहाँ पर, देखो यहाँ, अच्छा एक बात बताओ, जैसे मान लो कि तुम ऑब्जर्व कर रहा है कि वहां से मान लो तुम्हारे पास कोई बॉल फेंका, वहां सामने से कोई बॉल फेंक रहा है तुम्हारे पास, अब तुमसे कोई पूछा बताइए कितना देर लगा उसको बॉल फेंकने में, तो तुम क्या करेगा, घड़ी में टाइम देखेगा, नहीं बोलेगा कि जब हमको फेंक रहा था उस समय 1:02 हो रहा था, अब 1:05 पे मेरे पास आ गया, तो तुम कितना टाइम बोलेगा, 3 सेकंड, तो वो बताएगा ना कि टाइम बताने लगे 1:15 पे मेरे पास आया, ऐसे बताएगा नहीं ना, तुम तो टाइम बताएगा एग्जैक्टली कितना देर में तुम्हारे तक पहुंचा। तो तुम आखिर कर क्या रहा है, तुम शुरुआत वाला टाइम को जीरो नहीं ले रहा है, नहीं समझ में आया, जैसे उसके हाथ में बॉल था, तो उसके हाथ में बॉल था उस समय तुम टाइम को क्या अज्यूम किया, जीरो, फिर जब तुम्हारे तरफ वो बॉल फेंका, तो मान लो तुम्हारे तरफ आने में लगा बॉल को 4 सेकंड, तो तुम्हारे पास बॉल कितना देर में पहुंचा, 4 सेकंड में,
चार सेकंड कैसे हुआ? क्योंकि जिसके हाथ में, जिस समय बॉल था उसके हाथ में, उस वक्त तुम टाइम को क्या माना? जीरो। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो यानी कि इनिशियल टाइम जो है उसको हम क्या मान सकते हैं? जीरो। ये समझ आया? कोई दिक्कत इसमें? चलो ठीक। अब जो बाद वाला टाइम है वो हमेशा चार सेकंड होगा, जरूरी है कि किसी को हो सकता है दूर से बॉल आ रहा हो उसको 10 सेकंड लगे, तो हम ये वाला टाइम को टी एज्यूम कर लें, टी एज्यूम कर लेते, ठीक है। तो यहां पर अब इसको, ये वाले को एक्चुअली बताएं, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम ये नहीं है दोस्त, ये है इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। अरे भैया ये और ये एक ही बात है, लेकिन ये इसको सही क्यों, यही इसी को क्यों बोल रहे हैं? सुनो उसका रीजन बता रहे हैं। ये फोर्स कांस्टेंट होगा जरूरी है। भाई साहब तू फोर्स को यहां बाहर कैसे किया? क्योंकि फोर्स क्या दिया हुआ था, लेकिन जब फोर्स कांस्टेंट नहीं होगा तब तो ये बाहर नहीं हो सकता है। तो ये फॉर्मूला एक्चुअल नहीं हुआ, बताओ, ये जनरल फॉर्मूला नहीं हो गया वेरिएबल के लिए भी और कांस्टेंट के लिए भी। कांस्टेंट रहा तो बाहर करके सॉल्व कर लो, और वेरिएबल रहा तो अंदर ही रख लो भाई। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। अब इसी को थोड़ा और सिंप्लीफाई करके यहां लिखते हैं, ठीक है। देखो ये जो फॉर्मूला हम अभी लिखने वाले हैं, वो फॉर्मूला फोर्स का लिखने वाले हैं, किसके लिए? जब फोर्स क्या होगा, ये किसके लिए फोर्स लिख रहे हैं? वेरिएबल। भाई ये कांस्टेंट के लिए था, ये वाला ये कांस्टेंट के लिए हुआ। अभी किसके लिए लिख रहे हैं? ये वाला बालक। ऊपर वाला तो जनरल फॉर्मूला है भाई। अब देख यहां पर ध्यान से देख, यहां देखना ना, वेरिएबल फोर्स के लिए डीपी का इंटीग्रेशन पी, ठीक है, और यहां पर लिमिट डाल के यहां पर कितना आ जाएगा? डेल्टा पी, कोई दिक्कत। और इसी को हम क्या बोलते हैं? जे। भाई चेंज इन मोमेंटम को ही जे बोलते हैं ना। चलो ठीक है, बराबर। इसमें टी वन कितना होगा? जीरो। टी टू कितना होगा? टी। तो इंटीग्रल जीरो से लेके टी, और यहां पर क्या है? एफ डी टी, एफ डी टी। अब एफ को बाहर नहीं करना क्योंकि एफ क्या है? क्लियर है। अब हम लोग ये चेक करेंगे कि इंपल्स हमको दिखाई कैसे देता है, मतलब ग्राफ के थ्रू एनालाइज करेंगे, है ना, ग्राफ बनाएंगे। अच्छा तुम लोग को एक बात बताए थे तुम लोग को कि जब भी किसी चीज का स्लोप निकालना रहता है, स्लोप और एरिया अलग अलग होता है, ये समझाए थे कि पता नहीं यार। चलो इसको पहले लिख लो फिर बताते हैं। ये वेरिएबल फोर्स के लिए और ये वाला कांस्टेंट फोर्स के लिए, ठीक है, लिखो इसको, फिर न्यूमेरिकल से और क्लियर होगा, न्यूमेरिकल से जबरदस्त ये समझ में आएगा। अभी बस कॉन्सेप्ट पहले लिख लो। चलो यहाँ देखो, यहाँ वापस करो, नंबर और छोड़ो ये सब। अब हम लोग को ग्राफ के बारे में बात करना है, और ग्राफ से बहुत कुछ समझ आएगा। देखो क्या समझना है, देखो भाई, रख दे यहां, देख यहां, पहला देखो, पहला वाला। अभी फोर्स को हम लोग मान रहे कांस्टेंट, क्या मान रहे हैं? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट अगर मानेंगे फोर्स को, तो जे बराबर क्या लिखेंगे? एफ डेल्टा टी लिख सकते हैं ना, क्योंकि इंटीग्रेशन हो चुका है, एफ बाहर आ गया, डी टी का डेल्टा टी। चलो यहां तक ठीक है। अब सुनो, अब देखो, अब इस केस में जो ग्राफ बनेगा उसमें हम लोग इस तरफ लेंगे फोर्स को, और इस तरफ किसको लेंगे? टाइम को। इस तरफ टाइम बढ़ रहा है, इस तरफ क्या बढ़ रहा है? फोर्स। और मान लो अभी फोर्स क्या है? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट जो है फोर्स, उसका ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। टाइम बढ़ते जा रहा है लेकिन फोर्स क्या रहेगा समय के साथ? कांस्टेंट। अब तुम इसको यहां मिला दो तो इसका ये जो एरिया मिलेगा, ये एरिया किसको बताएगा? जे को। क्योंकि तुमको ये बात मालूम है कि जब दो चीज मल्टीप्लाई होता है आपस में, जैसे फोर्स ये है बाबू, ये फोर्स है, और ये क्या है? टाइम। तो लेंथ इनटू ब्रेथ का मतलब एरिया नहीं होता है, नहीं आया समझ में? ये लेंथ, और ये इधर क्या रिप्रेजेंट हुआ? फोर्स, यानी कि ब्रेथ। तो लेंथ इनटू ब्रेथ का मतलब क्या होगा? एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा, और वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन बता रहा है? जे। यानी कि इस ग्राफ का जो एरिया होगा उससे हमको क्या मिलेगा? इंपल्स। यानी ये जो एरिया से शेड किए हैं दैट इज जे। समझ आया कि नहीं आया, बोलो। अब देखो, अब नेक्स्ट देखो, जब फोर्स वेरिएबल होगा, नेक्स्ट केस में देखो, सेकंड केस, जब फोर्स का वैल्यू हो जाएगा वेरिएबल। नीलिमा बात मत करो, यहां ध्यान दो, बात करने नहीं आती हो, यहां ध्यान दो, ठीक है। अब इस केस में बताओ नीलिमा, जे का फॉर्मूला क्या होगा? इस केस में जे का फॉर्मूला क्या होगा बताओ? तुम नीलिमा है, ज्योति कहीं की, बताओ बताओ बताओ। गलत, देख के भी गलत बताती है, तो तुम बताओ है एफ डी टी, और ऐसे क्या होता है ये? हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी, और जीरो से लेके टी तक, लिमिट बताना भी था, क्योंकि हम लोग कभी भी इनडेफिनिट इंटीग्रल नहीं करते हैं। चलो तुम बताओ जी, इनडेफिनिट इंटीग्रल क्या होता है बताओ?
अच्छा तो हम लोग यहाँ लिमिट काहे लेते हैं भैया, लिमिट लेने से क्या हो जाएगा? लिमिट नहीं लेंगे तो प्लस सी आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, ठीक है? तो हम लोग तो फिजिक्स में पूरा फाइनल आंसर चाहिए होता है, इसलिए लिमिट के बाद मतलब हम लोग हमेशा डेफिनेट इंटीग्रल करते हैं फिजिक्स में, क्लियर है? ठीक, तो तुम अगर ऐसे लिख रहे हैं इंटीग्रेशन एफ डी टी तो तुम पगला है, फिर यहाँ लिमिट भी लिखना है, ठीक है? अब देखो ग्राफ कैसा बनता है इस केस में, देखो यहाँ पर इस तरफ लिए फोर्स और इस तरफ क्या ले लिए? अच्छा सुनो ध्यान से, ये जो ग्राफ ये वाला बताएं तो समझ में आ गया होगा, नहीं आया क्या तुमको? नहीं आया ना बाबू, झूठ बोल रहा है ना? तुम्हारा नाम क्या है? स्वप्नदीप झूठ बोलता है कि उसको ये समझ में आ गया, हमको लगता है कि समझ नहीं आ रहा है उसको, है? तुम बताओ स्वप्नदीप, ये जे यहाँ पर इस ग्राफ में क्या चीज़ के बारे इंडिकेट कर रहा है? लेंथ ब्रेथ हाइट की वॉल्यूम इम्पल्स, हम पूछ रहे हैं इस ग्राफ में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है जी? वो तो इम्पल्स है, वो तो मालूम है। ए तुम बाबू ना मार खा जाएगा, बता दे रहे हैं उसको, क्यों बता रहा है तुम उसका फ्यूचर बर्बाद कर रहे हो उसको आंसर बता के, ठीक है? फिर ऐसे ही होगा जब इसका शादी होगा ना, तो भी सैलरी का बंटवारा कर देगा, आधा उसको दे देगा, वैसे ही करेगा आगे चल के, आधा सैलरी उसको दे देगा, जैसे अभी आंसर बता दे रहे ना वैसे ही सैलरी भी दे देगा उसको, आधा देगा सैलरी उसको आधा। देखो यहाँ देखो ये जे यहाँ पर किस बार एक चीज किसको बता रहा है? अच्छा एरिया बोला, क्यों क्यों एरिया को बता रहा है? तुम बताओ बाबू एरिया क्यों बता रहा है? ये जे एरिया को क्यों बता रहा है? अभी सामने बुला देंगे, जल्दी आओ, चलो तुम यहाँ पर आओ, यहाँ पर आके बताएगा। तो तुम बताओ कि यहाँ पर जे क्या किस चीज को बता रहा है भाई साहब? बाबू हंस रहा है, आंसर नहीं बताया तो अभी हंस रहा है, बताओ क्यों है एरिया वो? ये एरिया ही काहे है, वॉल्यूम क्यों नहीं? भाई साहब ये बताइए, बोलो, नहीं समझ आ रहा है तो वही बात बोलना चाहिए ना डायरेक्ट। देखो सुनो यहाँ पर, नहीं तुम लोग डिस्टर्ब कर रही हो चिल्ला चिल्ला के क्लास को डिस्टर्ब, और देखो ना ये बेवकूफ बाबू मत बात करो। ओ अच्छा बताओ, तो धीरे धीरे बताओ, ठीक है? हाँ देखो यहाँ पर, यहाँ देखो कैसे क्या बता रहे, देखो तुम लोग ये पढ़ी होगी जैसे, ए यहाँ देखो ये रिक्टेंगल है मान लो, तो ये रिक्टेंगल का क्या होता है? ब्रेथ, और ये लेंथ होता है, ये भी लेंथ ब्रेथ भी नहीं मालूम है इसको, तो ये लेंथ और ये ब्रेथ, और दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या, तुम ज्योति मार खा जाएगी। उसको बायो भी कुछ नहीं आता है बाबू, हम बता रहे हैं। देखो यहां पर एरिया का मतलब क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो वैसे ही तुम देखो ये वाला जो ग्राफ है, इसमें किसी ऑब्जेक्ट पे हम यहां जीरो से फोर्स लगाना स्टार्ट किए, कहां से किए स्टार्ट फोर्स लगाना? जीरो से, और जीरो से लगाते लगाते कितना फोर्स लगाया उस पर। हालांकि ऐसा नहीं होता है, हम क्या करते हैं हम बता रहे हैं, हम उस बैट से एक बार में ऐसे फोर्स लगाते हैं ना बॉल पे, तो बॉल पे फोर्स हम कितना लगाएं? 5 न्यूटन। अब मान लो कोई ऐसे धीरे से प्यार से मारा बॉल को ऐसे करके, तो उसका फोर्स कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा, तो उसका एरिया कौन सा हो जाएगा? ये वाला। लेकिन हम फोर्स कितना लगा रहे हैं? 5 न्यूटन, तो मेरा एरिया ये वाला हो जाएगा, समझा? तो ये जो हम फोर्स लगाएं, ये इसमें कुछ समय भी तो लगा होगा, कि बिना समय का फोर्स लग जा रहा है, कुछ टाइम लगा होगा। तो मान लो हमको टाइम लगा 10 सेकंड, कितना टाइम लगा, और फोर्स हम कितना लगाएं? फोर्स लगाएं 5 न्यूटन। तो मेरा जो इम्पल्स है वो कितना आ जाएगा? 10 × 5 कितना आएगा? 50 kg/s। ये यूनिट होता है इम्पल्स का। तो ये जो 50 निकला है वो इस ग्राफ का क्या निकला है? एरिया। तो इसीलिए यहां पर जे का मतलब क्या है इस ग्राफ का? एरिया। समझ आया कि नहीं आया अभी, बोलो। भाई साहब छोटे टाइम इंटरवल का मतलब होता है जैसे 1 घंटा है? अरे बालक ये एग्जाम्पल न्यूमेरिकल करवा रहे हैं क्या? एग्जाम्पल दिया ना ये, कहाँ न्यूटन सेकंड होता? अरे चचा इंपल्स का यूनिट केजी मीटर पर सेकंड भी होता है और न्यूटन सेकंड भी होता है, दोनों होता है, दोनों होता है।
भाई साहब देखो देखो तुम देखो ये फिर से समझो ये वाला देखो यहाँ पर जे बराबर एफ डेल्टा टी और डेल्टा पी ऐसे होता है ना तो हम चाहे तो एफ डेल्टा पी यानी कि न्यूटन सेकंड लिख दे हम चाहे तो मोमेंटम का यूनिट केजी मीटर पर सेकंड लिख दे दोनों लिख सकते हैं नहीं क्यों कन्वर्ट करेगा ये एसआई यूनिट में केजी मीटर पर सेकंड और ये जो न्यूटन और सेकंड है ये भी एसआई यूनिट में और तुम एक और बात सुनो देखो यहां पर बहुत कंफ्यूज तुम यहां देखो ये न्यूटन किसका यूनिट लिखा है किसका यूनिट है फोर्स का है और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है चेंज इन मोमेंटम बाई चेंज इन तो मोमेंटम का क्या होता है केजी और टाइम का क्या होता है सेकंड तो ये जो न्यूटन है उसी की जगह केजी ये लिखा हुआ केजी ये मीटर एक मिनट हाँ ठीक तो लिखा है देखो ये केजी सेकंड किसका लिखा हुआ है ये केजी सेकंड लिखा हुआ है किसके जगह पे न्यूटन के जगह पे और बाकी ये सेकंड क्या क्या पूरा हाँ केजी पर सेकंड ऐसे होता है ना तो यहां से हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो यहां पर देखो ये जो न्यूटन है ना उसके जगह तुम देखो बाबू यहां देखो ध्यान से देखो इस न्यूटन के जगह पे तुम डाल दो केजी मीटर पर सेकंड क्या डाल दो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर और यहां पर पहले से एक सेकंड है तो यहां एक सेकंड सेकंड से सेकंड स्क्वायर कट गया तो केजी मीटर पर सेकंड एक बच रहा है नीचे में देख लो ठीक से यहां देख लो 50 केजी मीटर पर सेकंड तो देखो ये वाला आया कैसे आया जब तुम न्यूटन के जगह पे ये डाला तो चाहे ये लिखो दोनों एक ही बात नहीं समझ में आया अभी भी नहीं आया पक्का चलो ठीक तुमको नहीं समझ में आ रहा है ना आ गया तो तुम जे का यूनिट चाहे 50 केजी मीटर पर सेकंड लिखो चाहे न्यूटन सेकंड लिखो फिर जब तुम न्यूटन के जगह पे ये डालोगे ये वाला क्योंकि न्यूटन का जो ये फोर्स होता है उसका न्यूटन होता है और जो न्यूटन होता है ना फोर्स ये जो न्यूटन होता है फोर्स का वो इसके बराबर होता है तो तुम इस न्यूटन के जगह पे ये डाल सकती हो तो यही वाला वापस आ जाएगा समझ आया ठीक है भाई समझ गया ठीक है हाँ अब फोर्स वेरिएबल वाला केस एक्सप्लेन करते हैं चलो देखो फोर्स वेरिएबल वाला केस समझो मेरा ये टूट गया ये देखो तो ऊपर का स्क्रीन टूटा कि क्या हुआ है देखो तो यहाँ पर यहाँ देखना इस तरफ टाइम है ठीक है टेम्पर टूटा है ना चलो ठीक देखो यहाँ पर इधर फोर्स है इस तरफ क्या है टाइम अब यहाँ पर फोर्स कांस्टेंट क्यों बोल रहे थे क्योंकि यहाँ पर ग्राफ कैसा था स्ट्रेट लाइन लेकिन अभी मेरा ग्राफ ऐसे है अब तुम ये बताओ कि यहां फोर्स 3 न्यूटन है मान लो ये फोर्स 3 न्यूटन यहां पर यहां पर 4 यहां पर 5 यहां पर 6 यहां तो हर वैल्यू मिल रहा है ना देखो लेकिन इसमें तो खाली 5 था तो मतलब ये फोर्स कैसा है वेरिएबल मतलब ये ना 3 है ना 4 है ना 5 है ना 6 देखो बढ़ते जा रहा है स्ट्रेट लाइन नहीं है तो ये फॉर्मूला लगेगा फिर यहां पर ये वाला नहीं लगेगा क्योंकि यहां तो फोर्स का एक वैल्यू डालते थे पहले सुन लो पूरा ये फोर्स का एक वैल्यू डालते थे और यहाँ पर टाइम तो खैर वो तो डल जाएगा जैसे इसमें भी टाइम डल जाएगा 0 से लेके मान लो 5 तो टाइम तो डल जाएगा टाइम तो इसमें भी डाल दोगी ना मान लो 0 से 5 लेकिन ये जो फोर्स है तो 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है क्योंकि ग्राफ इस टाइप का कर्व है तो फोर्स बताना इसमें पॉसिबल है नहीं फोर्स देखो टाइम के साथ वेरी कर रहा है बदल रहा है उसका वैल्यू फोर्स के साथ तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा फिर क्या लगेगा तो ये लगेगा ये इंटीग्रेशन करना पड़ेगा फोर्स का हाँ किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे ऐसे ही कुछ इस टाइप का देखो एक्सप्रेशन दिया रहेगा देखो यहां पर इस टाइप का कोई फोर्स का एक्सप्रेशन दिया रहेगा इस टाइप का मतलब फोर्स टाइम पे डिपेंडेंट इस टाइप का इक्वेशन दिया रहेगा इसको यहां पुट करोगी इंटीग्रेट करोगी तब जे आएगा मतलब जब फोर्स वेरिएबल देगा तो इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा और यही वाला सवाल हमेशा आता है समझ आया मैं बात की नहीं समझ में आया तो ये ग्राफ वेरिएबल फोर्स के लिए हुआ अच्छा इस ग्राफ का जो एरिया है उससे क्या निकलेगा बोलो जे यानी इंपल्स जैसे इस ग्राफ का ये जो एरिया था ये 50 आ रहा था अभी निकाल के एग्जांपल दिए थे तो वो 50 क्या था जे वैसे इस ग्राफ का भी जो एरिया है वो क्या मिलेगा अच्छा एक जोरदार बात तुम लोग को जब इंटीग्रेशन पढ़ा रहे थे उस समय बताए थे कि जब भी किसी का इंटीग्रेशन करते हैं तो जो आंसर मिलता है उससे एरिया मिलता है आंसर में इंटीग्रेशन करने से
जो आंसर मिलता है वो एरिया होता है। और तुमको अभी जस्ट हम समझाएं कि जो जे है वो हमेशा एरिया होता है ग्राफ का। मान लो कि तुमको जे निकालना है तो जे जो होगा वो किसके बारे बताएगा, ग्राफ का एरिया के बारे। और ये इंटीग्रेशन से भी क्या आएगा आंसर में, एरिया आएगा, यानी कि जे आएगा। समझ आया कि नहीं आया? तो इंटीग्रेशन करना बिल्कुल सही है यहाँ पर। जब कब, जब फोर्स क्या हो, वेरिएबल। बाकी वेरिएबल नहीं हुआ तो तुम यहाँ एफ बाहर निकाल लो और सिंपल कर लो इसको, मतलब इस टाइप का कर लो। तो ये एक अलग चीज़ हुआ, ये एक अलग चीज़ हुआ, ये वेरिएबल फोर्स के लिए, कॉन्स्टेंट फोर्स के लिए। क्लियर है सारा? कहीं पर दिक्कत है बताओ? ठीक है, लिख लो इसको। बाकी हमको लग रहा है तुमको नहीं समझ में आ रहा है, तुमको नहीं समझ में आ रहा बाबू, ये समझ आया क्या बताएं ये वाला? हम यहाँ पर तुम एरिया 50 या 60 ऐसे निकाल सकते हो डायरेक्ट? नहीं निकाल सकते हो। क्यों नहीं निकाल सकते हो? क्योंकि यहाँ पर ये एक्सप्रेशन को डाल के फिर ये बताना पड़ेगा कि किस समय पे हम देखना चाहते हैं। जैसे तुम ठीक से देखना, थोड़ा सा और बता देते वाले, देखो जैसे मान लो कि यहाँ पर टाइम 2 सेकंड है, तो 2 सेकंड पे फोर्स कितना है, 3। फिर मान लो यहाँ पर टाइम हो गया 3 सेकंड, तो 3 सेकंड पे फोर्स कितना है, 4। फिर मान लो टाइम हो गया 8 सेकंड, तो 8 सेकंड मान लो 8 हो गया यहाँ पर, तो 8 सेकंड पे कितना है ये, मान लो 6। तो तुमको यहां पर टाइम बताना पड़ेगा कि किस समय का तुम फोर्स देखना चाहता है। क्यों? क्योंकि फोर्स जो है वो वेरिएबल है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है। समझ आया कि नहीं आया? बोलो। ठीक है, अब अभी तो तुमको हम बैट वाला एग्जांपल दिए, तो बैट वाला एग्जांपल ये फॉर्मूला के लिए है, क्योंकि बैट में जो तुम फोर्स ऐसे लगाता है वो एक बार लगाता है और एक ही समय पर लगाता है, तो ये फॉर्मूला बैट वाला के लिए ठीक है। तो सर ये वाला फॉर्मूला कब के लिए है, ये फॉर्मूला कब के लिए है, इसके बारे में हम बताएंगे कब के लिए। ठीक है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आया, इसके बाद बताएंगे ये कब लगता है। हाँ, लेकिन बैट वाले के लिए ये नहीं काम करेगा। क्यों नहीं करेगा, समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि बैट में तो तुम एक ही फोर्स लगाता है, एक ही वैल्यू रहता है, कांस्टेंट फोर्स रहता है, लेकिन ये फोर्स तो क्या है, टाइम के साथ चेंज कर रहा है। तो इसका एग्जांपल कुछ और होगा, वो एग्जांपल हम देंगे क्या होता है इसका। ठीक है, तो ये बहुत सीरियस फॉर्मूला हुआ जे के लिए। अच्छा, ये सब तो ठीक है, फिर भी ठीक है, सबसे जरूरी ये है भाई साहब, ये जे का सबसे जरूरी फॉर्मूला, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम बदल जाता है ना ऑब्जेक्ट का उस पर फोर्स लगाने से, तो ये भी जे का ही फॉर्मूला है। क्लियर है कि नहीं बताओ? लेकिन हमको क्योंकि जे के बारे समझाना था कि जे होता कहाँ है, इसीलिए ये वाला फॉर्मूला का मदद लिए। इस फॉर्मूला से हम जे का एरिया वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझा सकते हैं, इसलिए इसके हेल्प से एक्सप्लेन नहीं किए ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर है? चलो अब सवाल करते हैं इसके ऊपर एक हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक बैट्समैन है, जो तुमको तभी से समझा रहे थे उसी थ्योरी के ऊपर है, एक बैट्समैन है और वो बैट्समैन हिट्स बैक अ बॉल स्ट्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ बॉलर। मतलब वही वाला बाबू, देखो यहाँ पर है बैट्समैन और यहाँ पर कौन है, एंजल प्रिया, जो कि बॉलिंग कर रही है, और बॉलिंग मान लो वो ऐसे की, तो बॉल का वेलोसिटी इस तरफ। अच्छा, ये बॉल को जब फेंक रही है तो कौन सा वेलोसिटी होगा, इनिशियल, और बॉल को जब ये मारेगा तो बॉल इधर ही इधर जाएगा, नहीं उसके तरफ जाएगा बॉल, तो यानी बॉल इस तरफ जाएगा। और सवाल में लिखा है कि बॉल उसी तरफ जाएगा, देखो पढ़ो, बैक अ बॉल इन स्ट्रेट लाइन, मतलब वो बॉल को मारा तो बॉल ऐसे नहीं गया, एकदम सीधे गया, ऐसे मारा, एकदम स्ट्रेट गया बॉल, ऊपर नहीं गया। ठीक है, तो अगर ये आने वाला वेलोसिटी प्लस है तो जाने वाला क्या होगा, क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन लेना पड़ेगा ना, आने का प्लस लिया तो जाने का क्या लेगा, क्योंकि उल्टा उल्टा डायरेक्शन है वेलोसिटी का। ठीक है, अच्छा आगे सुनो, इसका इनिशियल स्पीड कितना है बॉल का, अच्छा देखो क्या लिखा है, विदाउट चेंजिंग इट इस इनिशियल स्पीड, मतलब मान ले वो 12 मीटर पर सेकंड से फेंकी, तो जब मारा तब भी बॉल का स्पीड कितना रहा, 12 मीटर पर सेकंड, बोला है कि बदला नहीं है, मतलब जितना बॉल का इनिशियल स्पीड है वही उसका क्या है, ये इनिशियल ये फाइनल, दोनों कितना के बराबर, कोई दिक्कत? अब तुमसे क्या पूछा है, इफ द मास ऑफ द बॉल, मास दिया हुआ बॉल का कितना दिया हुआ है, 0.15 kg, तुमको बोला है डिटरमाइन द इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल, कितना इम्पल्स लग रहा है, तो यहाँ पर तुमको वेलोसिटी और मास का इन्फॉर्मेशन दिया है, यानी कि तुम ये फॉर्मूला यूज करेगा, जे इज इक्वल्स टू डेल्टा पी, ये पढ़ा है ना, जे इक्वल टू डेल्टा पी। ठीक है, तो डेल्टा पी को तुम लिखेगा पी फाइनल माइनस, और मोमेंटम कैसा क्वांटिटी होता है, वेक्टर, तो तुम जो पी को डालेगा, मान लो यहाँ पर अभी अगर बिना स्केलर फॉर्म में अगर लिखो, मान लो क्योंकि स्केलर फॉर्म में ही पूछ रहा है, तो स्केलर फॉर्म में लिखो, तो फाइनल मोमेंटम को क्या लिखेगा बोलो, हाँ तो नहीं रुको, सही नहीं हुआ, यहाँ पर तुम फाइनल मोमेंटम जब निकालेगा तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होगा, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, मास तो बॉल का चेंज नहीं कर रहा है तो मास को कॉमन ले लो। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी कितना है, -12 मीटर, और इनिशियल वेलोसिटी
क्योंकि एक इधर है तो दूसरा उधर है, तो इसलिए एक नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो वी को लेगा तो माइनस, और ये वाले को क्या लेगा, यू को मतलब ये तो माइनस रहेगा ही, और ये वाला 12। कोई दिक्कत बोलो, ठीक है। तो यहाँ से मास है तुम्हारा 0.15 और ये तुम्हारा हो जाएगा 24 माइनस 24, 12 12 24 होता है ना, हाँ ठीक। तो कितना आ रहा है सॉल्व करके, 3.6 आ रहा है। अच्छा एक मिनट हम आंसर चेक कर लेते हैं, 3.6 सही है, हाँ, लेकिन आएगा माइनस 3.6 न्यूटन सेकंड। न्यूटन सेकंड बोल सकता है ना, न्यूटन सेकंड बोल सकता है ना इसको, क्योंकि इस जे का फॉर्मूला एक और क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम, तो फोर्स का न्यूटन, टाइम का सेकंड, तो न्यूटन सेकंड। और यहां पर नेगेटिव साइन इस बात को बता रहा है कि बॉल ऐसे आ रहा था और उसका डायरेक्शन बदल चुका है, तो नेगेटिव साइन हेयर इंडिकेट्स दैट चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल, या फिर चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द बॉल। बॉल आया ऐसे लेकिन गया वैसे, तो उसी डायरेक्शन पलट चुका है उसका, उसी बात को माइनस बता रहा है, ठीक है। तो ये किताब में लिखा हुआ है कि बता रहा है, तो चलो तुम समझ गया। अब इसके ऊपर एक और बेहतरीन सवाल करते हैं, ठीक है, चलो ये लिख लिया तुम लोग, लिख लो। देखो जैसे सुनो बता रहे हैं, देखो अभी अगर तुम चाहो तो इसको कैप के फॉर्म में लिखो, और वही सही तरीका हुआ। तुम अगर वेक्टर लगाया यहाँ, डायरेक्शन नहीं बताया, तो गड़बड़ हो गया फिर। अच्छा एक बात और समझना, जैसे तुम मान लो यहाँ लिखा आई कैप, तो यहाँ भी क्या लिख दिया, आई कैप, दोनों तरफ आई कैप लगाएगा क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। अच्छा ये मत कन्फ्यूजन पालो कि ये वाला माइनस आई कैप होगा, वो मत सोचना। हम ये मान रहे हैं कि बॉल ऐसे आ रहा है, देखो यहाँ देखो बॉल ऐसे आया प्लस एक्सिस में, उसके बाद वापस भी किस में गया, इसी एक्सिस में, नेगेटिव में थोड़ी जा रहा है बॉल, यही वाले एक्स एक्सिस में आया और एक्स एक्सिस में ही गया, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में वो नहीं गया। नहीं समझ में आया, नहीं आया, नहीं समझ में आया, पक्का ठीक। तो यानी कि आई कैप क्यों लिखे मालूम चला, क्योंकि बॉल किस में चल रहा है, ऐसे एक्स में आया और एक्स में गया, और एक्स के लिए हम लोग आई कैप यूज करते हैं ना डायरेक्शन दिखाने के लिए। तो तुम चाहो तो यहां आई कैप के फॉर्म में इसको लिख सकता है। तो अगर आई कैप के फॉर्म में लिखना चाहता है तो इसमें क्या लगाना पड़ेगा, वेक्टर, और इसमें भी क्या लगाना पड़ेगा, वेक्टर, मतलब फिर ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे करना होगा। देखो जे बराबर ये जो पी फाइनल है उसको तुम लिखोगी, जैसे ये वाला मान लो इसमें, तो इसमें तुम लिखोगे पी फाइनल वेक्टर माइनस पी इनिशियल वेक्टर, और इसमें भी क्या लगाना पड़ेगा, वेक्टर। तो फाइनल मोमेंटम जो है उसको लिखने के लिए ऐसे लिखना पड़ेगा माइनस एम 12 आई कैप, और ये वाले को क्या लिखना होगा, माइनस ये वाले को एम 12 जे सॉरी आई कैप ही होगा ना, समझ आया कि नहीं आया। अब फिर जो आंसर होगा लास्ट में उसमें क्या आ जाएगा, आई कैप। तो मतलब जो मोमेंटम का चेंज है, बदलाव है मोमेंटम, वो किस में है, आई कैप में। क्यों भैया, क्योंकि बॉल आई कैप में ही लेन देन हो रहा है, आ रहा भी आई कैप में, जा रहा भी आई कैप में, इसलिए फाइनल आई कैप। नहीं समझ में आया क्या, क्या हाँ एक और क्वेश्चन कर रहे हैं, हो गया ये, ठीक है चलो। हाँ इसका आंसर होगा माइनस 3.6 न्यूटन सेकंड, क्योंकि यहां पर तुमसे सिर्फ पूछा है इम्पल्स, इम्पल्स का डायरेक्शन तो नहीं पूछा। तो अगर इम्पल्स लिख दिया मतलब वो सिर्फ इम्पल्स का मैग्नीट्यूड का बात कर रहा है, डायरेक्शन का नहीं, समझ आया, सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड का। अगर पूछता व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इंपल्स, तब तुमको किस फॉर्म में लिखना पड़ता आंसर, आई कैप के फॉर्म में, तब यहां पर क्या लगा देता, माइनस 3.6 आई कैप। क्लियर है नहीं है, बताओ, नहीं समझ में आ रहा क्या, आ गया। तो क्योंकि वो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में पूछा था इसलिए मैग्नीट्यूड के फॉर्म में हम सॉल्व किए उसको, ठीक है चलो, क्योंकि खाली इंपल्स लिखा था वो, अभी आगे IIT में क्वेश्चन आया उसमें वेक्टर फॉर्म में पूछा है वो, ठीक है। टाइम नहीं ना यार, टाइम नहीं, इसलिए देखो यहाँ पर मेरे पास एक दीवार है बाबू, ठीक है, और ये सवाल में बोल रहा है कि एक दीवार है, बढ़िया सवाल है ये, एक दीवार है। अब क्या करते हैं, एक बॉल हम लेके आते हैं और बॉल को कहाँ ठोकते हैं, ले जाके दीवार में, और ये बॉल ऐसे आया दीवार में टकराया, और दीवार में टकराने के बाद फिर वापस आ गया, तो बॉल जो है ना आया कितना मोमेंटम से, मोमेंटम दिया हुआ है, देखो कितना दिया हुआ है, मोमेंटम का यही यूनिट होता है ना, केजी मीटर पर सेकंड। तो जितना मोमेंटम से आया वो, मान लो पी मोमेंटम से आया, तो पी से ही क्या चल गया वापस। और देखो एक और चीज़ लिखा है, स्ट्राइक्स अगेंस्ट अ वॉल एट एन एंगल 45 डिग्री। अच्छा दीवार से वो एंगल कितना बना रहा है, और बोला है एंड गेट्स रिफ्लेक्टेड, देखो रिफ्लेक्ट कर गया बाय रिफ्लेक्टेड एट द सेम एंगल, मतलब 45 डिग्री पे ही वो क्या चल गया वापस, सेम एंगल पे ही वापस गया। तो बोला है कि कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम। अब मोमेंटम का चेंज जो है वो दो दो एक्सिस में होगा, एक्स में भी होगा वाई में भी होगा। बोलेगा क्यों, क्योंकि देखो ये इंक्लाइंड है,
ये मोमेंटम का कंपोनेंट लेना पड़ेगा। मतलब हमको हमसे जे कैसे हमसे जे पूछा है कैसे मालूम चला, क्योंकि हमको क्या बोल रहा है, पूछ रहा है, और चेंज इन मोमेंटम का मतलब जे पूछ रहा है मेरे से, और चेंज का मतलब क्या होगा, फाइनल माइनस, और ये मोमेंटम का किसके बारे में बात कर रहा है, मैग्नीट्यूड के बारे, क्योंकि खाली चेंज पूछा है, डायरेक्शन बोला क्या नहीं, ठीक। अब देखो मोमेंटम दो एक्सिस में होगा, एक्स में भी, और अब क्या मतलब है इसका भी समझाते हैं। देखो ये मोमेंटम देख रहा है 45 डिग्री पे, इसका इस तरफ कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इस मोमेंटम 45 डिग्री वाले का इस तरफ कंपोनेंट क्या होगा, पी साइन 45, ठीक है। अच्छा इस वाले का इस तरफ कंपोनेंट क्या हो जाएगा, पी साइन 45। देखो तुमको बताया था ना कि इसका जब कंपोनेंट ये, तो इधर एंगल नहीं बन रहा है, तो इसलिए यहाँ साइन 45, और इस तरफ एंगल बन रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, और इसका भी यहाँ पर क्या होगा, समझ आया कि नहीं आया, बोलो, नहीं आया क्या समझ में, आया भाई ये तेरे को, हाँ। तो मोमेंटम एक्स में भी है और वाई में भी है, अच्छा। इसमें दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो जब तुम यहां पर निकालेगा मोमेंटम, यहां पर तो एडिशन दिख रहा है ना। अच्छा एक बात बताओ, मोमेंटम का चेंज निकालने के लिए हम लिखते हैं उसको फाइनल माइनस इनिशियल, तो किसको हम फाइनल माने, किसको हम इनिशियल माने, कहां लिखा है ऐसा, तो कैसे ऐसा, सोच के बताओ कौन सा इनिशियल कौन सा फाइनल, सोचो, हम टाइम दे रहे 2 मिनट। कैसे, देखो बाबू तुम लोग पहले क्वेश्चन समझो। देखो यहाँ पर ये जब ऐसे इसको बनाए हैं, है ना, जब ये ऐसे आया बॉल, तो तुम लोग वेक्टर पढ़ा है ना, तो ये ऐसे वेक्टर का एरो है, ठीक है। तो अगर वेक्टर का एरो ऐसे है, तो इसमें जो लिखे हैं पी साइन 45, वो किस तरफ होगा, ऊपर नहीं ना होगा, ये वाला कहाँ होगा, क्यों, समझ आया भाई साहब, ये एरो ऐसे है, तो इसका तुम इस तरफ तोड़ रहा है ना कंपोनेंट, तो इस वाले एरो का इस तरफ कंपोनेंट पी साइन 45, और नीचे की तरफ, नहीं आया समझ में, नहीं आया भाई साहब, देखिए एरो ऐसे है, मतलब नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसका ये वाला जो कंपोनेंट होगा, इसका भी एरो ऐसे ही होगा ना। देखो यहाँ पर बना के बता देते, यहाँ देखो, यहाँ देखो ऐसे एरो है, ठीक है, कोई दिक्कत, तो इसका यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, यहाँ पर एंगल बन रहा है 45, तो इस वाले एरो का इस तरफ किधर आएगा एरो, बताओ, ऐसे आएगा इसका एरो, और यहाँ पर ऐसे आएगा, भाई साहब ये इनिशियल है ना, तो इसका एरोज ऐसे रहेगा ना, जो कंपोनेंट का एरोज होगा, मतलब इसका एरो ऐसे है, तो इस वाले एरो का जो रिजल्टेंट एरोज तुम तोड़ेगा, एक इधर होगा और एक ऐसे होगा, उधर थोड़ी होगा, समझ आया, तो यानी कि यहाँ पर जब ये ऐसे हैं, तो इसका ये एरो ऐसे नहीं होना चाहिए, किधर होना चाहिए, इसके तरफ, भाई साहब ये ऐसे एक्ट कर रहा है, तो इसका एक एरो ऐसे और एक ऐसे। अब जैसे ये वाला देखो, ये तो ऐसे निकल रहा है, ये तो ऐसे निकल रहा है, तो इसका एक एरो नीचे और एक एरो इधर वाला, नहीं आया समझ में, तो ये वाला जो चीज है देखो, ये कैंसिल नहीं होगा, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, कैसे, तुम नहीं समझ रहे, फिर देखो यहां देखो, बता रहे हैं, जब तुम बात करेगा, मान लो तुम बात कर रहे हो वाई एक्सिस का, किसका बात कर रहे हैं, वाई एक्सिस का, तो वाई एक्सिस में कौन कौन है, वाई एक्सिस यानी ये वाला, इसमें ये है और ये है, तो वाई एक्सिस में जब तुम निकालेगा चेंज इन मोमेंटम, तो इसको क्या मानेगा, इनिशियल, और इसको क्या मानेगा, तो तुम लिखेगा यहां पर फाइनल माइनस इनिशियल। अब ये जो फाइनल मोमेंटम है, हाँ है, ये जो फाइनल मोमेंटम है, इसको तुम लिखेगा पी पी साइन 45 माइनस, इसको क्या लिखेगा, क्यों भाई, क्योंकि दोनों कैसे डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है, और सेम डायरेक्शन में इसको भी प्लस, तो इसको भी, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन के साथ लेते हैं उसको, तो इसका आंसर कितना आएगा, जीरो, मतलब वाई एक्सिस में जो मोमेंटम का चेंज है वो जीरो है। अच्छा आगे सुनो, देखो यहाँ पर ध्यान से, अभी जब तुम चेंज इन मोमेंटम निकालेगा एक्स में, तो उसको क्या लिखेगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो एक्स एक्सिस में आराम से देखना, ध्यान से देखना, ये वाला एरो इनिशियल है कि ये वाला एरो इनिशियल है, बोल भाई, ये एरो इनिशियल है, तो इसका एक्स एक्सिस में कौन सा एरो है, बताओ, ये वाला, आ रहे आ रहे आ रहे, इसका ये जो एरो है ये किसमें है, ये वाला होगा, तो इसका क्या लिखेंगे, पी कॉस 45, तो मान लो इसको ले लिए पी कॉस 45, अब मान लो इसको अगर हम नेगेटिव लिए, तो इसका जो एक और भाई है इसको भी क्या लेना पड़ेगा, इसको क्या लेना पड़ेगा, एक और भाई को, यानी ये वाले को क्या लेना पड़ेगा, इसको सिर्फ
अरे दोनों तो सेम है ना दोस्त, ये कौन सा है, ये इनिशियल और ये कौन सा है, तो ये इस तरफ जा रहा है क्या, कौन फाइनल वाला इधर जा रहा है, इधर नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये वाले का टूट के यहां आया है ना, तो इसका एरो ऐसे तो इसका यही ना रहेगा, उधर कैसे कर लेगा, अभी समझाए थे कि ये वाला जो है इसका एक इस तरफ आया था नीचे की तरफ एरो, और इसका जो एक और टूटेगा वो एरो इधर ना होगा, उधर कैसे चल जाएगा भाई, ये नीचे एक्ट कर रहा है तो इसका जो कंपोनेंट्स आएगा वो इस तरफ और इस तरफ आएगा ना, दीपक के हिसाब से ऐसे हो जाएगा। वाह भाई क्या, कौन ये, हाँ ये फाइनल हुआ, तो ये इस तरफ जा रहा, तो तुम दोनों में से किसी को भी ले मान सकता है अपोजिट, जैसे मान लो कि तुम इसको अगर प्लस मान लिया तो इसको क्या मानेगा, अगर तुम इसको माइनस मान लिया तो इसको क्या मानेगा, समझा मेरी बात की नहीं समझा, अभी जैसे यहां पर लिख रहे हैं फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल कौन सा है, ये वाला, तो इसको हम प्लस ले लिए, तो ये वाला जो है उसको ये ले लेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा बताओ, मान लो इसको हम इसको प्लस ले लेते हैं फाइनल वाले को, तो इसको अगर प्लस ले लेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा फिर प्लस, तो कितना आ जाएगा 2p cos 45, अब p का वैल्यू कितना है 5, भाई कंफ्यूज करता है, और cos 45 कितना होता है, cos 45 1/√2, cos 45 1/√2, ठीक है, तो ये हो जाएगा 10/√2, और यूनिट क्या होगा मोमेंटम का, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो y एक्सिस में मोमेंटम 0 लेकिन x एक्सिस में मोमेंटम है, क्लियर है कि नहीं बताओ, कहाँ, अरे होगा 5√2 लिखो चाहे फिर 10/√2, एक ही बात है ना, दोनों सेम चीज़ है, ठीक है क्लियर है, चलो ठीक है, थैंक यू बाय, क्या सही था।